मीरा है, ये लोग द्वारा क्या करते, संकेत करते थे, देखो आज हम लोग यहीं पर हम मिलेंगे, हमारे मिलन यहीं पर होएगी। इसलिए इनका मिलन जब होएगी, इतने में मिलन कैसे होगा, राधा रानी कौन है, बोले वृषभानंद महाराज की बेटी वो तो राधा रानी, कृष्ण कौन है, नंद बाबा का बेटा वो तो राजा है। अगर साधारण कोई लड़का लड़की हो ना, कहीं अगर मिल जाए तो आसानी है, लेकिन राजा की बेटी और राजा का बेटा मिलना कोई साधारण बात है, साधारण बात है ही नहीं। अब इनका मिलन कैसे होगी है, इनकी मिलन कैसे होगी। इसलिए कहते अष्ट सखियों में जो प्रधान सखी कौन थी, ललिता। ये ललिता क्या करती है, श्री किशोर जी को श्री श्याम सुंदर से मिलाती है। इसलिए अब कृष्ण का एक सखा जिसका नाम है, जिसका नाम कृष्ण के सखा है, सुबल सखा है, कहते ये एक प्रिय नर्म सखा, इसके अंदर में कुछ गोपियों का भाव है। अभी ललिता और श्रीदाम दोनों मिले, मिल करके मधुमंगल मिल, श्रीदाम मिले, मिल करके बोले क्या किया जाए, ये दोनों को मिलाए कैसे जाए। बोले ये जो बीच, ये जो स्थान है, ये नंदगांव बरसाना का बीच में ये स्थान है। बोले ललिता तुम राधा रानी को ले आना और मैं कृष्ण को इधर से ले आऊंगा, और दोनों को ला करके यहीं पर हम दोनों को हम मिलाए करेंगे। यहीं पर राधा कृष्ण की जुगल की मिलन, सर्वप्रथम जो राधा कृष्ण का मिलन है, यहीं पर संकेत करके यहीं पर इनके मिलन हुई, इसलिए ये स्थान का नाम पड़ गया संकेत नाम पड़ गया। और यहीं पर ही राधा कृष्ण रात को यहीं पर विश्राम करते हैं। जब विश्राम करते हैं, अभी मैया जसोदा क्या समझती है, लाला तो मेरे घर में सो रहा है, और जटिला कटिला क्या समझती, मेरी बहू अपना घर में सो रही है, लेकिन राधा रानी यहाँ पर श्याम सुंदर के साथ में। जब यहीं पर सबर होता है, वृंदा देवी है राधा कृष्ण को जुगल को उठाती है, उठा करके हम भजन गाते हैं ना सबेरे से, कौन सा भजन है, मंगला गोरो गौरा मंगला मुरारी मंगला श्री राधा कृष्णा युगल मंगला निषाद लीला मंगला आरती गाते ना, यही का मंगलारती है। यही पर बड़ा सुंदर, अभी तो हमको सूखा सूखा लग रहा है, दो चार पेड़ पौधा यही दिख रहा है, लेकिन जिस समय भगवान राधा कृष्ण जहाँ प्रकट होते हैं, पूरा गोलोक वृंदावन को यहाँ प्रकट कर देते हैं। तरह तरह का जूही बेली चमेली पुष्प की खुशबू, बड़े सुंदर फल फूल से लता पताओं से बड़े सुंदर रूप में वृंदा देवी ये स्थान को सुंदर रूप में सजाती है, है? यही पर कहते ना कैसे सुंदर सरोवर है, कैसे सुंदर कमल का फूल कैसे खिला हुआ, उसकी भिन्नी भिन्नी कैसे सुगंधि बह रहे हैं, राधा कृष्ण कैसे निकुंज में कैसे विश्राम कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर वन महाराज वहां बोल रहे थे ना, पहले मुर्गा सबसे पहले उठता कू 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 जब करती है, इतने में इसको सुन करके सबको क्या पता चलता है सवेरे हो गया उठना है। इतने में राधा रानी अभिशाप देती है, बोले तू जमपुरी में जा, हम सुख निद्रा में हम सो रहे हैं और हमारे नींद को तुम जगा रहे, इसलिए राधा रानी का अभिशाप। इसलिए मुर्गा को क्या कहते हैं, तुम्हारा जितना भालवासा मुसलमान ने मुर्गा पसा, मुसलमान खूब अन्न दाना खिलाते हैं, खूब मुर्गा को बड़ा करते, बोले क्यों, एक दिन उसको काट कर खाएगी है। इसलिए राधा रानी का ये पीताम्बर तो कृष्ण का पीताम्बर है, तुम्हारी शरीर में कैसे आ गया ये पीताम्बर है, जब बड़ा क्रोधित होकर कहती है। लेकिन ललिता तो बड़ी चंड है, अब सुना ना बड़ा प्रखर है ना, ललिता डोकरी हो गई, तेरे आग में है, आग में नजर से दिख नहीं रहे, देख तो सूरज उठ गया ना, और सूरज का किरण कैसे होता है, पीला पीला रंग होता है। इसलिए राधा रानी के नीलाम्बर में सूरज का पीताम्बर पड़ करके, उनका किरण पड़ करके दिख रहा है, ऐसे तेरे आंख में नहीं दिख रहे, देख उधर देख, उधर जब उधर देखती है, ललिता क्या करती है, राधा रानी के वस्त्र को फटाफट बदला देती है, बदला करके राधा रानी को नीलाम्बर पहना देती है। इसलिए कभी कभी मैया जसोदा देखती है कृष्ण नीलाम्बर पहने हुए, नीलाम्बर पहने हुए, बोले नीलाम्बर कैसा आ गया, कृष्ण का तो पीताम्बर है, कहते हाँ दाऊ भैया का नीलाम्बर है ना, लगता है इनका वस्त्र अदल बदल कभी हो गया, इसलिए दाऊ का वस्त्र काना और काना का वस्त्र दाऊ पहन ली। इसलिए यही से ही राधा कृष्ण मिलन यही पर हुई थी, संकेत बीरा बंसी ध्वनि को तरह यही पर उनकी
जुगला मिलन होता था और यहीं से राधा कृष्ण चले जाते थे, इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ गया, संकेत नाम पड़ गया। इसलिए फिर हम लोग मंदिर में, हम लोग प्रेम सरोवर में जाओ, हम लोग वो आए उल्टा हो गया, हम इधर आप लोग उधर हो गए, उधर आप लोग केवल वहाँ आप लोग वहाँ कर आचमन ले लेना, ठीक है, केवल राधा कृष्ण दोनों प्रेम में, प्रेम में दोनों द्रवीभूत होकर के है, राधा कृष्ण ये सरोवर नहीं, राधा कृष्ण दोनों द्रवीभूत होकर के वो पानी बना हुआ है, इसलिए उसका नाम प्रेम सरोवर। कैसे प्रेम सरोवर हो बन गया, क्या क्या घटना थी, जब हम मंदिर में जाएंगे बैठ करके अच्छे तरह से शाम को बढ़िया से सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री संकेत बिहारी की, प्रेम सरोवर की, अभी कोई